फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिज डिलीवरी के बारे में, ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में। नॉर्मली बेबी जो है वो हेड से आता है, इसको हम किफायलिक पोजीशन कहते हैं, क्योंकि हेड सबसे बड़ा होता है, सबसे हैवी होता है बॉडी का पार्ट फुल टर्म पे। तो नॉर्मली 97% केसेस में बच्चा जो है पहले हेड आता है, बाद में बाकी बॉडी आती है, इसी को हम नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। कभी कभी 3% ऑफ केसेस में ये बच्चा उल्टा आता है, यानी कि बट्टू के थ्रू आता है, बटक्स के पहले आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज डिलीवरी। अब देखिए कि ब्रिज डिलीवरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ब्रिज डिलीवरी के कारण, ब्रिज पोजीशन के कारण हो सकते हैं कि हो सकता है आपको पहले से हिस्ट्री हो, आपकी मदर को भी उल्टे बच्चे होते हो, या आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्रिज प्रेगनेंसी ब्रिज डिलीवरी की हिस्ट्री हो, या फिर हो सकता है कई बार पानी कम हो। कभी कभी क्या होता है कि पानी कम होने की वजह से बच्चा रोटेट नहीं कर पाता है, तो फिर वो उल्टा ही फिक्स हो जाता है। कभी प्रीमेच्योर बच्चा कम टाइम पे अक्सर उल्टा ही होता है, ये अगर प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो भी बच्चा उल्टा हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो पहला बच्चा तो कई बार सीधा होता है, नहीं तो पहला उल्टा भी हो सकता है, आड़ा भी हो सकता है। और कभी कभी प्लेसेंटल लोकलाइजेशन ऐसा होता है, प्लेसेंटा नीचे लो लाइन होता है तो हेड को इतनी जगह ही नहीं मिलती है कि वो नीचे एंगेज कर सके, तो वो ब्रीच हो जाता है। और कभी कभी सेक्रोकॉक्सीजल टेरेटोमा होता है कॉक्सिक्स में, नीचे बट्टू की बोन्स में, तो उसकी वजह से भी उसका जो है बट्टू हैवी हो जाते हैं और वो ब्रीच ही फिक्स हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का फुल टाइम पे 37 वीक्स पे बच्चे ब्रीच पोजीशन में है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए ब्रीच कितने टाइप के होता है। अब आपको इसको ब्रीच को नॉर्मल कराना नहीं कराना है, ये डिपेंड भी किस पे भी करता है कि ब्रीच किस टाइप का ब्रीच है। एक होता है कंप्लीट ब्रीच, जिसमें आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट फ्लेक्स होते हैं बच्चे के, और लेकिन इसमें ये नॉर्मली हेड एक बॉल की तरह होता है जो कि पूरे पेल्विस में फिक्स हो जाता है, और वो डायलेटेशन में भी हेल्प करता है सर्विक्स के, बच्चेदानी के मुंह खुलने में, और वो एकदम पूरी तरह से अपना एंगेज हो जाता है तो कुछ कॉर्ड को लाइकर को आने नहीं देता है। लेकिन ब्रीच क्योंकि इरेगुलर मल्टीपल पार्ट्स हैं तो इसके साथ कॉर्ड प्रोलैप्स के चांस हो सकते हैं, जो कि बड़ी डेंजरस कंडीशन है। और इनकम्प्लीट डायलिटेशन पे, यानी कि 3-4 सेंटीमीटर डायलिटेशन पे ये कंप्लीट ब्रीच है, तो सिर्फ एक फुट ही आएगा या कॉर्ड आ जाएगी, तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन है। इसे इमीडिएटली सीजेरियन सेक्शन के थ्रू ही मैनेज किया जा सकता है, अदरवाइज बच्चा आपका जा सकता है, डेड हो सकता है। दूसरा है कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में हेड ये दोनों लेग्स एक्सटेंडेड होती हैं, तो इसे थोड़ा ये थोड़ा बेहतर कंडीशन है, इसमें कॉर्ड प्रोलैप्स के चांस कम होते हैं। ये नॉर्मल अगर कराया जाए ब्रीच तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अगर किस ब्रीच को डिलीवर नॉर्मल कराना चाहिए किसे नहीं कराना चाहिए, तो कंप्लीट ब्रीच एक अनफेवरेबल कंडीशन है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन अनफेवरेबल कंडीशन है, एक्सटेंडेड ब्रीच ये फेवरेबल कंडीशन है। इसमें भी पेशेंट को पूरा फुल एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हेड सबसे बड़ा पार्ट है, अगर हेड आता है तो कई बार उसकी हेड की बोन्स में गैप होता है, ये गैप जो है धीरे धीरे कम हो जाता है और बच्चा थोड़ा सा हेड का साइज छोटा हो जाता है। अगर हेड निकल गया तो बाकी बॉडी भी निकल जाती है, लेकिन ब्रीच में उल्टा होता है क्योंकि हेड सबसे बाद में आ रहा होता है, और कई बार इतनी बॉडी निकल जाती है शोल्डर तक और कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही होती है, और बच्चे का हेड अंदर होता है और बाकी बॉडी बाहर होती है, जो बड़ी डेंजरस कंडीशन है। 1-2 मिनट में अगर आपने नहीं हेड निकाला, बच्चा नहीं निकाला, तो बच्चा आपसे जाता है। इसलिए नॉर्मल के लिए ना ऑप्ट करके बेहतर होता है कि आप सी सेक्शन करवा लें, इसी में मदर और बेबी की भलाई होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रीच प्रेजेंटेशन में सीजेरियन सेक्शन की है। और क्या कर सकते हैं नॉर्मल के लिए, एक दूसरा ट्रायल दिया जाता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ये ओटी के अंदर होता है, एनेस्थेटिस्ट के सामने, सर्जन के भी सामने, कि बाय चांस कोई इमरजेंसी अराइज कर, इसमें यूट्राइन रिलैक्सेशन देकर के हेड को रोटेट करने की कोशिश करते हैं किफेलिक पोजीशन में। लेकिन ये भी कई बार फेल हो जाता है और कई बार इमरजेंसी में लैंडअप होता है, कॉर्ड की स्ट्रेचिंग हो जाती है, प्लेसेंटा की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इमीडिएट एब्रप्शन हो सकता है, बच्चा जो है मिनटों में खत्म हो सकता है। इसके लिए तुरंत इसको मैनेज करने के लिए इसलिए ओटी में करते हैं, ताकि तुरंत सीजेरियन से बच्चा और जच्चा को बचाया जा सके।
देखिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन हो कि अच्छे से सर्विक्स भी सॉफ्ट हो, डायलेटेड हो, ब्रीच एंगेज हो गया हो, तीसरा चौथा बच्चा हो, पूरा रूमी पैल्विस हो जिसमें हिस्ट्री भी हो, तो ऐसे बच्चे को ब्रीच कराया जा सकता है नॉर्मल। लेकिन अदरवाइज बेहतर ये है कि ये ब्रीच बेबी को आप सीजीरियन सेक्शन से ही कराएं तो अच्छा है। मुझे लगता है मैंने काफी बातों के आपके जवाब दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।